So, दोस्तों आज हमारे पास आ गया है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन। आज की वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ इसका आपको रिव्यू बताने वाले हैं, बैटरी लाइफ कैसे मिल जाती है, डिस्प्ले कैसे दी हुई है, कैमरा कैसा मिल जाता है, सारी चीजें आपको इस वाली वीडियो में मिलने वाली है। सो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। आपने इसका ओवरव्यू तो देख लिया। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको प्लास्टिक बिल मिल जाता है, पूरी बॉडी प्लास्टिक से बनी है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये भी प्लास्टिक का दिया है, साथ ही साथ अगर फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इसमें आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है, टोटल प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। लेकिन अगर लुक एंड फील की बात करें तो आपको काफी प्रीमियम वाला स्मार्टफोन फील होने वाला है। ये प्लास्टिक आपको प्लास्टिक फील नहीं होने वाले, थोड़ा सा आपको मेटल का लुक देने वाली है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्रेम मेटेलिक फ्रेम है। तो यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अगर प्राइस की तरफ देखे तो प्राइस को देखते हुए बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है सैमसंग ने। इसमें आपको डेफिनेटली मेटल का फ्रेम मिलना चाहिए था और पीछे की तरफ बैक भी मिलना चाहिए था। बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहां पे आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको सभी स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले के आउटपुट की बात करें तो आप देख सकते हो आपको इस टाइप का आउटपुट मिलने वाला है, ठीक ठाक आउटपुट इसमें आपको मिल जाता है। लेकिन डिस्प्ले में बहुत सारे ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, साथ ही साथ इसमें आप 4K में वीडियो में प्ले नहीं कर सकते हो और YouTube पे आप HDR में कंटेंट भी इस वाले डिस्प्ले से प्ले नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने हाल ही में Samsung F23 का रिव्यू किया था और वहां पे आपको HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ 4K में आप YouTube पे वीडियो में प्ले कर सकते हैं। वो वाला स्मार्टफोन 15,000 रुपए का आता है और ये 25,000 रुपए का आता है। इसमें आपको ना तो HDR का सपोर्ट मिलेगा ना ही इसमें आप 4K वीडियो प्ले कर पाओगे। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करो तो एवरेज टाइप की डिस्प्ले मिल जाती है, प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको Exynos 1820 प्रोसेसर मिल जाता है, जहाँ पे आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गेमिंग की बात करें तो आप इस पे हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है। सो आपको मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो अगर आप एक हार्डकोर गेमर है और गेमिंग के लिए स्मार्टफोन देख रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A33 आपके लिए नहीं होने वाला है। ये एक नॉर्मल सा डिवाइस है। अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते और आपको अच्छे लुक वाला डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। ये एक परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं कैमरे की तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देख सकते हो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा इसमें मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया है और 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको डेप्थ लेंस भी देखने को मिल जाता है। आउटपुट की बात करो तो कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, आप फोटो से देख सकते हो आपको इस टाइप की कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है। साथ ही साथ बैक और फ्रंट कैमरे दोनों में आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। बैक कैमरे का पोर्ट्रेट मोड देख सकते हो, यहाँ पे आपको एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं देखने को मिलने वाला है, कहीं कहीं पे ये आपकी एजेस को छोड़ देता है, सो पोर्ट्रेट अच्छे से काम नहीं करता है। ओवरऑल कैमरे की बात करें तो डिसेंट टाइप का कैमरा मिल जाता है, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया है, तो आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड से कितना एरिया कवर करता है। मैंने एक फोटो को नॉर्मल लेंस से शूट किया है, उसी को मैंने अल्ट्रा वाइड से किया और उसी को मैंने 2x ज़ूम से शूट किया, तो आपको क्वालिटी का अंदाजा लग ही गया होगा। ओवरऑल कैमरे की बात करें तो ठीक ठाक कैमरा आपको मिल जाता है। बात करें सेल्फी कैमरे की तो यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे आपको आउटपुट भी ओके मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो यहां पे आप 4K एट 30 FPS पे वीडियो भी इससे शूट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 1080p की बात करें तो वहां पे आपको 60 FPS का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेल्फी कैमरा भी आपको 4K एट 30 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो
यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको आप 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, किसी भी टाइप का बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक डेटा केबल मिल जाता है, मतलब एक चार्जिंग केबल मिल जाएगा, चार्जर आपको अलग से खर्च करना होगा। 1500-2000 रुपए का सैमसंग का चार्जर आता है, वो आपको खरीदना होगा। आउटपुट की बात करें तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही आसानी से दे देगा। वहीं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल जाएगा। सो बैटरी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप एक लाइट यूजर है तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल। बात कर लेते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए। 6 GB के साथ इसका प्राइस आपको 25,000 रुपए पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस ओवर प्राइस है, 20 से 21,000 रुपए इसका प्राइस होना चाहिए था। सैमसंग OIS और IP67 के नाम से इस वाले स्मार्टफोन को बेच रहा है कि इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको इस प्राइस में नहीं मिलने वाला है, और IP67 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको फिर से इस वाले स्मार्टफोन मतलब इस कैटेगरी के स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाला है। सो मेरी राय है कि आप इस वाले स्मार्टफोन को अवॉइड कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस है, 25,000 रुपए ज्यादा है इसके हिसाब से, इसका प्राइस 20 से 21,000 रुपए होना चाहिए था। तो मैं इस वाले स्मार्टफोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा 25,000 में। 25,000 में आपको दूसरे और भी स्मार्टफोन मिल जाते हैं जिसमें आपको इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर आप एक सैमसंग फैन वो है और आपको अच्छा लुकिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप फिर इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्मार्टफोन चेकआउट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सो गाइस ये था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए #OKBye एंड बी सेफ।